ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के मामले में फिर से एक बड़ी कार्यवाही की है। 254 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली के संबंध में पैन ओएसिस कंपनी के निदेशक बिल्डर अमित चावला को एसडीएम दादरी ने गिरफ्तार किया है। एसडीएम दादरी द्वारा गिरफ्तार बिल्डर को तहसील की हवालात में पहुंचा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली के मामले में फिर से एक बड़ी कार्यवाही की है। 254 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली के संबंध में पैन ओएसिस कंपनी के निदेशक बिल्डर अमित चावला को एसडीएम दादरी ने गिरफ्तार किया है। एसडीएम दादरी द्वारा गिरफ्तार बिल्डर को तहसील की हवालात में पहुंचा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एक महापूर्व हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को ही गिरफ्तार किया है। डिप्टी एसपी फर्स्ट श्वेता पांडेय ने इस घटना के खुलासे की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अपने दोस्त का यौन शोषण करता था, जिससे त्रस्त होकर उसके दोस्त ने उसकी हत्या कर डाली। इस घटना में आरोपी का एक साथी और सम्मिलित रहा। दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस को अब आरोपी के दूसरे साथी की तलाश है। रामलीला मैदान में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसका सर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। इसमें थाना 39 की टीम द्वारा केस वर्कआउट किया गया है। जानकारी करने में पता चला था पूरी विवेचना में कि जो मृतक है उसका नाम लंबू था और उसकी हत्या जो चंदन बिष्ट नाम का अभी गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ में आया है कि एक उसके द्वारा कुछ इसके साथ अप्रकृति का यौनाचार किया जाता है। इससे क्षुब्ध होकर इसके साथियों द्वारा और इसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी। इसमें जो हत्या में प्रयुक्त काला कत्ल था ईंट, उसे भी बरामद कर दिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।